अभी आप सामने देख सकते हैं, ये सामने से 35 वाला स्कूल है और मेन रोड है जो कि सागंज वाला रोड है, और देख सकते हैं यही रोड जो पुलिया का निर्माण हुआ है उसी तरफ ये रोड जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये चिश्ती शाह बाबा की दरगाह, तो आप देख सकते हैं ये चिश्ती शाह बाबा की दरगाह है इसी जगह पर। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं जौनपुर सिटी के, जौनपुर जंक्शन के थोड़ा और पास में, यहाँ राजा साहब का पोखरा जहाँ पर है, तो उस रोड पे पुलिया का काम चल रहा था, तो उसी जगह पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर पुलिया तो बन चुकी है और लोग का आना जाना भी साइड से है, तो बीच का हिस्सा गैपिंग, अभी पुलिया के बीचों का हिस्सा, बीच का हिस्सा जो है उसमें अभी गैपिंग है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पुलिया बनी है और उसके आगे अभी कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, और थोड़ा ऊपर से भी हम आपको दिखाते हैं, और राजा साहब का पोखरा साइड में है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, श्री राजा जौनपुर का पोखरा, तो थोड़ा पोखरे का व्यू आप देख सकते हैं, और काफ़ी विशाल ये पेड़ है देख सकते हैं, काफ़ी विशाल पेड़ है देख सकते हैं, बहुत ही पुराना पेड़ है ये आप देख सकते हैं। आप पोखरा का पूरा व्यू देख सकते हैं, थोड़ा और आगे चल कर हम आपके दिखाते हैं। अगर इस रोड की बात करें तो ये सीधा रोड निकलता है जौनपुर सिटी का सेंट पेस्टिक स्कूल के ठीक ये सामने रोड निकलता है जो कि सागंज वाला रोड है, और वही रोड चला जाता है सिपाह के लिए। और सीधा अगर आप जाएंगे बाएं साइड थोड़ा से ही आगे, बाएं साइड जो कि चिश्ती शाह बाबा की दरगाह है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से राजा साहब का जो पोखरा है, यहाँ से आप थोड़ा व्यू देख सकते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े में है और बहुत ही पुराना है ये देख सकते हैं। अभी राजा साहब के पोखरे से सामने आप देख सकते हैं जो पुलिया यहाँ पर बनाई गई है, इसका निर्माण यहाँ पर हुआ है, तो सामने नजर आ रही है, चलिए वहाँ पर हम आपको चलकर दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये एक रास्ता यहाँ से खोला गया है जो कि घूम के पुरानी वाली पुलिया के नीचे से होके जाता है, ऊपर से रेलवे लाइन है और यहाँ पर पुलिया जो नई पुलिया का निर्माण हुआ है, तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर पुलिया बनाई गई है। सामने आप देख सकते हैं आपको पुरानी वाली भी पुलिया नज़र आएगी, एकदम सीधे सीधे बनाई गई है ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये रास्ता इधर से साइड से रास्ता दिया गया है, क्योंकि अभी बीच का हिस्सा देख सकते हैं काफ़ी गैप है, और वहाँ पर जो पुलिया बनाई गई उतना गैप है, तो इस तरफ भी शायद यहाँ पुलिया बनाई जाएगी, इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं इस तरफ का रवि, ये रास्ता घूमते हुए राजा साहब पोखरा होते हुए सेंट पैट्रिक स्कूल की तरफ चला जाता है सीधा, वहीं सिपाह आजमगढ़ और सागंज के लिए रोड पे मिल जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया गया है, तो इसी रास्ते से हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर से हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस वक्त हम ऊपर आ चुके हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे लाइन, और वो देख सकते हैं जो पुलिया का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पुलिया वहाँ पर बनाई गई है। तो जौनपुर जंक्शन इसी तरफ है और कोई ट्रेन की आवाज़ भी उधर से आ रही है, ये आसपास का एरिया आप देख सकते हैं, और राजा साहब का जो पोखरा है यहीं से आपको नज़र आएगा ये देख सकते हैं।
और थोड़ा सा इस तरफ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आमने सामने पुलिया बनाई गई है और ये रास्ता साइड से चालू है जाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू। तो ये था दोस्तों जौनपुर रेलवे लाइन पर, जौनपुर जंक्शन के पास जो रेलवे लाइन पुलिया का काम चल रहा था और यहाँ पर पुलिया बन चुकी है। अब बीच में गैप भी है और आगे चल के यहाँ पर ये गैप को भरा जाएगा, क्या किया जाएगा जो भी होगा अपडेट देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।